करे लैया रे मंजूर, अरे परन जा सर नर ब्रह्म, अरे चिंतन जाऊं मैं नर ब्रह्म तेरी मेरी बात की और ये चाहिए ना। फिर भाई भाई मौजूदा प्रधान जी पवन यादव जी, उनके बड़े भाई वहां पर 10 रुपया ले रहे हैं, उनके लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। वैसे प्रधान जी के भैया के 10 रुपया बढ़िया लाग ला रहे हैं। क्यों? अरे प्राणी सत्य है प्रधान जी की, शेर की अंडी मरे लगी पाताल, और बड़ी कमाई प्रधान जी ने करी ने बाबा नाथ दोनों रहे प्रधान, और नेम धर्म पे प्रधान जी कटे तुम रहियो, जनता ऐसे तुम्हें करेगी व्यवहार। क्यों? आप जानते हैं राजनीति अच्छे कर्म करने वाला अच्छा व्यक्ति कोई प्रधान बन सकता है। क्यों? बहुत जनता हर आजमान हर कुछ सभी कुछ जानती है, बुराइयां तो एक दूसरे की चलती है। अब भी तो नहीं कहता पीछे जमाने में प्रधान जी के बाबा 35 साल प्रधान रहे, तो कुछ उनके अंदर कुछ ज्ञान की बात या जनता प्यार करती होगी जनता के हित के लिए, वो भी आधी रात ऐसे कंधे मिलाकर काम करते होंगे, तब भी जनता ने उनके साथ में ऐसा ही व्यवहार किया। और मैं भी प्रधान जी आपसे कहना चाहता हूँ ऐसा व्यवहार आपके बाबा ने किया, ऐसा व्यवहार आप जनता के साथ में कंधा से कंधे मिलाकर के करना, आपकी हमेशा के लिए और जीत हासिल हो। भूले जाओ मैं प्रेम को, प्रेमपाल और नीतीश 10-10 रुपया और छाई वो नाम किलो हो तो तेरी भेली ले तो तादिन संग में तुम्हें यार जो याद करेगी वो खाती वो पर जाएगी जहर सुखाए, अरे जिये जिये तक तेरी भेली ना लेंगो बहना कौवा मरे हार ले जाए कदम नरवर पिनाए तिंगो। तू जा काय को अपने भूस रही है पति जाएगी चीट जाएगी सारे गलत गलत मत बोल भैया। हाँ हाँ तुम भेली ले ले और तुम ना ले या पति में ले ले वो क्या साले भेली बोल पहले। हाँ भाई तो कह रहा हूँ मैं सुन तो बताओ तुम्हारे लिए मंजूर है मच जाएगी बिल्कुल मर जाऊंगा मेरी किस्म खाई तेरी कसम। हाँ मेरी किस्म तो भैया बहुत जल्दी खाई आई अगर भेली ले तो काय को मरो सही है तो छोड़
आज अगर मैं पिछली याद करके वहली नहीं ले तो संसार में कोई ये नहीं कहेगा राज लाला ओखा की याद करके वहली नहीं ले। सब ये कहेंगे बारह लाई चिट्ठी में थी, लड़ाई देख करके डर गया रायलर काहे रो गया, तेगा हाथों से नहीं सदा, इसलिए चिट्ठी के लिए इनकार कर दिया। बहन सोन देख मेरे मारे नरवर हाल, देख देख मेरे मारे नरवर हाल और हाल काबर और कंडाल, देख तखत वागरे पूरी हाल तू है दिल्ली बहन टहल रह जाए, तखत वागरे पूरी हाल तू है दिल्ली बहन टहल रह जाए। शादी की खातर मंदिर में फंस गए हनुमान, शादी करूंगा जरूर जाए चल चली चलिए शादी करूंगा जरूर जाए। बताए क्या होगा, क्या होगा वह तलवार बाजेगी, झगड़ा होगा, बिल्कुल होगा, माल में क्या होगा, क्या होगा? एक तब भी कुछ ना कहूंगा उस भीलगढ़ी में जब भीलों से तेरा लगे, बिल्कुल एक गाली दो गाली दीजिए तब भी कुछ ना कहूंगा और जो गाली मुझे तसली देगा करोगे और जो गाली वो तसली देगा सब तो अरे शादी कराए ले तो पाले भाने लगी। अब एक बात है, हाँ मैंने तो तुम्हारी हेली ले ली, हाँ ले ली सही है, अब अपनी भाभी के पास और जाओ, भाभी साहब पे भी बात मांगना पड़ेगा क्योंकि वो भी ओखा में सज गई थी। चाहे किन्नू ते भवा जब पे भार ऊंचे सतरी भाभी के दे तो क्या क्या बताइए बहना फुलो पानी ओढ़ाए, अगर ऊंचे नीचे तुम तुम तनी बोल क्यों क्यों मैं तो तेरे भैया मां जाओ वो पेट पराई स्त्री है तुझ कुछ से कह भी सकती है गलत सलत उसकी बात का कोई बड़ा मत मानना। चलो मैं नहीं घूमी पर एक बात बताओ जब इतनी गुस्सा तुम्हारे लिए तो थोड़ी बहुत तो भक्त भाभी की होगी क्योंकि भी वो तो बात अगर जैसे मेरे तुमने कह दी के मैंने कह दी के अभी मर जाओ और भाभी ने कह दी के मर जा वो तो पेट पर आई है कह भी सकती है जल्दी मरी मरी ये मन मरवैया बन जाए तब मत जाओ फिर क्या होगा तब तक मैं तेरा मेरा बना रहेगा साथ तुझसे पादा करता हूँ बढ़े के नीचे आकर के जरूर मरूंगा भाई पीछे परे दो भरो बनर भरे परे दो भरो बनर भरे कैसा दिन होगी रे आगे बढ़ गई रंग महल में
जाए के पहुंच गई ढंगा भागज के जावे हाथी को लगाए रही रे जाकर के अपनी भाभी के दरवाजे पर पहुंच जाती है कहने लगी अरे भाभी साहब राम राम अरे भाभी साहब राम राम ऐसा ही से राम राम को छत पे रखने सूख जाएगी राम राम छत पर रखने की नहीं होती राम राम करने की होती है और ये 20 रुपया मोटे धर्मपाल और 20 रुपया हमारे पमन प्रधान जी ये दोनों साहब 40 रुपए दे रहे हैं भैया अगली हाजिर में धन्यवाद देते हैं जोड़िए रे पनीर प्रधान जी घर पे जी प्यारे भैया और प्यारो चलियो रे जगत में प्रदान भाभी साहब कहिए मैं आपके पास आई हूँ क्यों क्यों आई हो क्या काम मेरे बेटे की शादी है शादी मैं भात मांगने के लिए आई एरी तुमसे बड़ी बेहद औरत नहीं देखी होगी क्यों बताओ भूल गई क्या बताइए मोको आए रही अगली पिछली याद आए बात न की तू याद तो कर ले आजो ध्यान का मन में कर ले याद अरे वाह फूले बाग की रे आग लगो तू बच्चा तेरे बेटा मजा आग लग जा अरे कारी अरे मत दइयो मेरी भाभाजे मेरे पारो सिर बेटा तो आग लग रही है पेट में ए पे अरे कइयो मेरी भाभाजे तो सर के लइयो अरे कारी अरे प्यारे अरे पलपे तेरी भाप ज शादी कर ली सुन बेटा और भोली कर कसवा पे लबारा में अवतार कैसे बस रहे मेरी सत्ता में मानो सरसा के रे मलखान में काता जी भले करो भैया की वो पे कई रे जाते हैं ना रानी धरा इसके लिए मार रही है इसलिए मार रही हूँ महाराज उसने इसके औखा में हम तो पे औखा पड़ी और इसके फूल भाग पर गए थे क्या हल किया था उन्होंने पता है
दादी ने जो ना भूली, अरे भूल गए जवानों, तो लहिल सवरी फेर गए तीन लोग के अंतरिया पीठ को फेर गए रे भगवान। अरे कछु ना गलती ना रे बहना की तेरे सब कर्म भाग की आवाज माल में कैसे कैसे देखो कर्म करे सो करे ना कोई दोस्तों देखो कर्म करे सो करे ना कोई कर्म अनुकृत है न्यारी कर्म चढ़ा दे हाथी के होता कर्म कराए दे तारेदारी कमन कर्म तो हितु रिश्तेदार मिलते हैं कर्म तो मिलते चतुर नारी क्या बंदा को कर्म लौट जाए दूर कहते हैं घर की आधार पैसे दे लो आधार श्री बांध चले थे रघुवर के और सोने की लंक छलंक में खोज की समुदादस शीशक टेपी देख मनोदर रानी रोज तुलसी दास विचार करे दादा कर्म करे सो करे ना सोई तेरे कई कर्म भाग की बात भैया किया पीठ सो गए गलती नारे बहन की कछ ना अरे भागी बिगड़ गए तेरे जगत दुनिया में ताते भेजिए कर ले स्वीकार अरे भेजिए ले ले नारी बिना की माने मर जाए और भेली ले नारी भेना की ना जा ये पे माने मर जाए पन्नालाल और हरवीर सिंह और मौजूदा प्रधान जी पवन यादव जी के 60 रुपया है तीनों ही रईसनों के अपनो प्रेम रे रहे हैं खुलवाए तुम जब तक जियो मेरे जगत दुनिया में तब तक तीनों को चले दो प्रेम और नदिये नर्मदा मेले चलो कर गे तैसे कर गे गंगा की तधार और तैसे जनता मेरी कर गे पहलवाड़े की जैसे सरसा में कर गो मन खान त्यारे कंचन कोठरे किला बन चाहियो लक्ष्मी डोल पवन और ये वीरपाल सिंह यादव जी छाई बना हमारे बहुत ही अधिक प्रेमी आज भी यहाँ का प्रोग्राम आया तब मेरा एक क्षेत्र प्रोग्राम चल रहा है दस रुपया फिर मेरे लिए दूध पी के पुरस्कार कर रहा दस रुपया मैं कैसे भूल जाऊंगा ये प्रेम को अपनो खुलवाए लो है नाम और चुग चुग जी में फिर पाल बेटी प्यारे बेटा अरे चुग चुग जी में भैया प्यारी की लगानी के पंजा लगे रे एक भगवान किसी की औरत लूट जाए
पटने में नहीं आ रहे तो औरत पटाने की एक बात होती है, एक दवाई, एक बात में पट जाती है। रानी सुनती हो क्या है मुझसे बात बात कर तेरे जैसी रानी क्या तेरे जैसी रानी कोई जग में रानी नहीं होगी और तेरे पति की टक्कर का तो कुछ जिंदा नहीं हो तेरे टक्कर की कोई कुछ में नीति नहीं होगी तेरे और ये गुप्तदान ये गाड़ी वाले भाई मेरठ की तरफ से चलकर का है 100 रुपया पुरस्कार कर रहा है 100 रुपया तुमने मैं धर्म पे कटे सुन रही हो भोलेनाथ मैं कैसे भूल जाऊं ऐसे रईसन को इन्होंने अपनो खुलवा लो नाम और यानी कहिए महाराज भेलिए ले लेते हैं अच्छा अरे खुशी बनाए ले नारे बहन में और काय लिए मंगलाचार गले लगाए ले बहन मेरी सैया हो जा ये लो भात की बहनी आजा और भात बहना लिखनी जरूर लाना सही भाई साहब मिल गई अगर नंद भावज में बेस ना हो तो मालिक पन्ना लाल कौन सा भात गा बोलते अगर बेस हो तो अरे ननदी भात तेरो मारे डर रे ननदी भात पवन प्रधान जी 20 रुपए प्रधान जी ने थोड़ा होकर के कह रहा प्रधान जी दो थोड़ा दिखा दो